इनकॉर्डिनेट के बारे में कहते थे जब तो जाएगी तुझे लोग घेर के बैठ जाएंगे जी, सैकड़ों लोग मेरे दर्शन को आएंगे जी। मां जब पहली बार गई फरुखाबाद में रुक गई जी स्टेशन में, तो फिर साधु महाराज आए बताया, वो तो सब रूटीन है जी जी। लेकिन मां ने जब वहां पर उसको जागृत देखिए, एक होता है एक मंदिर है जी, वहां पे पहली बार जब गए तो हनुमान जी के मुंह चीटे लगे थे, क्योंकि लोग बड़ी बुजुर्ग थे जी जी, पहले हनुमान जी थे वहां एक देवी जी थी जी। तो जागृत करना संधि जागृत कर सकता है, सिद्धि जागृत कर सकता है, सही बात। तो महाराज जो छोड़ गए थे उसको माने पूरा जागरण किया, एक छोटी गुफा निकाली फिर एक बड़ी गुफा निकाली जी, घूम घाम के लोग कह रहे कहाँ है कहाँ है, तो उसने ऐसे पैर रखे माने कहा यहाँ खोलो, तो ये तो सब उनको डेवलप किया। फिर देवी की मूर्ति आई, बहुत सारी मूर्तियां बनती चली गई, फिर महाराज की स्वयं मूर्ति आई। बाबा महाराज ने 35 के टाइम वक्त की बात है एक मंदिर बनाया जी, तो स्तूप की तरह था बिल्कुल, छोटी जगह है जी जी, कम जगह बनाया, तो मूर्ति नहीं बैठी थी जी। तो महाराज से एक भक्त ने पूछा कि महाराज यहाँ कौन बैठा हो, कौन देवता आएंगे? महाराज बोले यहाँ हम बैठूंगा, हम बैठूंगा। मैं मानो उसको पूरा किया जी जी, उसी हम बैठे गुरु। देखो जो असली शिष्य होता है जी जी, वो गुरु की एक एक वाक्य को पूरा करता है, स्वप्न को पूरा करता है जी जी, उसके मुंह के जितने भी शब्द निकले होते हैं उनको पूरा करता है जी जी, उसके काम को और विस्तार करता है। मां ने ये सब किया क्योंकि महाराज मां के लिए छोड़ गए। एक चित्र मुझे मिला है जिसमें सिद्धि माँ और समस्त जीवंती माँ है, वो दोनों छत से नीमकुंडली धाम से, मैं आपको दिखवाऊंगा, तो वो चित्र बताता है। और वहां के जो लोग हैं जिन्होंने वहां पर बहुत सारा काम किया है वो बताते हैं, सिद्धि माँ जब आती थी तो बहुत भीड़ लग जाती थी, और चित्र में भी आप देख रहे हैं कि नीचे बहुत बहुत बड़ी संख्या में भक्त खड़े हैं और माँ ऊपर खड़ी आशीर्वाद दे रही है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आया जी जी, तो जिनकोली गाँव में बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए जी जी, बोलते तो माँ जी बोली मैं तो बाहर में कहा उन्होंने मगर नीमच जाके जी, मैंने मैं परेशान हो गई। अच्छा अच्छा, अब मैं कल सुबह सुबह उठ के चली जाऊंगी। अच्छा, ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ को ढूंढ नहीं पाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा। मैं भी था वहां पर, मैं हंस के बोला, मैंने कहा अरे भैया तू जहाँ जाएगी वहां पर सब पहुंच जाएगी, सब घेर लेंगे तुझे जी। तो दूसरे दिन सुबह देखा से बरसात का टाइम हो गया, ऐसा टाइम था जबकि सुबह सुबह आप जाके बैठ सकते हैं बाहर जी। तो वहां पर एक ईदगाह कहते हैं, हर जगह एक दीवार होती है जहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ा करते हैं जी जी, और उस दीवार का मुंह जो होता है काबे की तरफ होता है जी। माँ वहां जाके बैठ गई। अच्छा, और थोड़ी देर में देखा जो 6 बजे होंगे जी, तो थोड़ी देर में इधर से एक चूहा निकला उधर से एक चूहा निकला, मैंने घूमते घूमते इतने आदमी निकले वहां पर, लाइन लग गई। तो मुझे याद है हुकुमचंद जी थे वहां पर मद्रास के। अच्छा, उन्होंने लाइन लगवाई, लगा के लाइन लगा हुआ। थोड़ी देर में दूध भी आ गया, भंडारा भी हो गया, पुड़िया भी आ गई। तो अन्नपूर्णा है, वो जहाँ जाएगी वहाँ वो होगा। माँ का प्रसंग याद आया जी जी, मैंने कहा अकेली बैठ नहीं सकती जी जी, माँ के साथ जहाँ भी आती थी धीरे धीरे अपने आप सब साधन जुटने शुरू हो जाते थे जी। महाराज के साथ भी ऐसा ही होता था, तो मैंने कंटिन्यूएशन देखा महाराज की लीला का, क्योंकि उसका वरण गुरु का वरण होना बहुत मुश्किल होता है, अपने को पूरा निरहंकार रखना पड़ता है, वही माँ ने किया। मित्रों, ये सब चर्चाएं किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचती हैं, मैंने कथाओं के साथ भी आपको बताई हैं, लेकिन जब जिन्होंने सिद्धि माँ का साथ पाया, सानिध्य पाया, आशीर्वाद पाया, जिन्होंने उनके गले लगने का सौभाग्य पाया, जिनके पिता माता श्री स्वयं पूज्य और भगवान कहूं, और अब तो ये है कि उनके आगे कुछ लगाने का मन नहीं करता, कुछ लगा देते हैं तो ये लगता है कुछ औपचारिकता कर रहे हैं, क्या कहते हैं बाबा नीम करोली, है ना, और मेरे मुंह से तो अब नाम भी कम निकलता है, यही कहता हूं महाराज जी, और आप समझ जाते हैं कि महाराज जी का मतलब बाबा नीम करोली। तो उनका आप दोनों लोगों ने सानिध्य पाया है, और मैंने परिचय पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, नाम है संगीता गंडा और पिता का नाम आपको हमेशा कई कथाओं से पूज्य एस डी गंडा साहब, तो उनकी पुत्री है। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं सिद्धि माँ की और महाराज जी की, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे,
अभी हम लोग थोड़ी सी चाय ब्रेक पर जा रहे हैं, तब तक आप भी चाय पी लीजिए। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे